सो हमारे साथ में है गुड़गांव ट्रायल्स में एक अंडर 16 का प्लेयर, उससे पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे आकर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ हार्दिक, और इधर आके इतने टाइम बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लॉकडाउन में उतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट फिर भी यहाँ पे आके एक दो दिन पहले प्रैक्टिस करी और फिटनेस भी मेंटेन करी थी, तो अच्छा गया ट्रायल काफ़ी। तो आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे फील्ड पे आकर और YSCL का देख कर सब कुछ कैसा फील आया एकदम से? थोड़ा नर्वस था, बट मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी था, सो ही केप्ट मी मोटिवेटेड एंड इट वॉज ग्रेट टाइम विद। अच्छा, तो एक बार बताओ कोविड की वजह से बाहर निकले एकदम से, कोविड से होकर कि कोविड चल रहा है सब कुछ है बाहर, डर लग रहा था? हाँ, प्रिकॉशंस लिए, मास्क जैसे अभी हटाया था थोड़े टाइम पहले ही, और सैनिटाइज करता रहा बार बार, बट अब ऐसे मौके बार बार तो आने नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। YSCL में पहली बार आए हो? नहीं, ये मेरा सेकेंड ईयर है, सेकेंड टाइम है, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को हर साल अच्छी है। अच्छा, तो जब लास्ट टाइम आपका किसी रीजन से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो क्या मन में मोटिवेशन लेकर नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से ट्राई करा? मैं थोड़ा अपसेट था बिकॉज लास्ट टाइम मेरी थोड़ी इंजरी भी थी, तो बट इस साल वही जो मेरी गलतियाँ थी उसको स्पेशली फोकस करा उस पर और ज़्यादा उस पर ध्यान दिया, और इस बार काफ़ी अच्छा गया। वेरी वेल, वेरी वेल। सो यहाँ हार्दिक ने बताया कि उसका ट्रायल लास्ट ईयर उसने, ये उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो देखो एक बार अगर इसने सेकंड टाइम ट्राई करा तो आप लोग भी कर सकते हैं, बिकॉज ट्राई करना ये ऐसा नहीं है कोई लिमिटेड सोर्स नहीं है, जब जितना बार ट्राई करोगी उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी आप में। तो थैंक यू सो मच हार्दिक, होप फॉर द बेस्ट आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।